को सीआरओ कैसे ऑपरेट करते हैं और सीआरओ प्रोब कैसे टेस्ट करता है ये मैं बताने वाली हूँ। मेनली हम जो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है उनको ये बेसिक चीज़ें पता होती नहीं। मेरा मोटिव क्या है ये वीडियो निकालने के लिए कि आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि सीआरओ कैसे ऑपरेट करते हैं और प्रोब कैसे टेस्ट करते हैं। तो आप मेरे सामने जो देख रहे 30 MHz 2 चैनल 4 ट्रेस ऑसिलोस्कोप है, उसके बाद इसका ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। मैं पावर ऑन ऑफ कर रही हूँ। जैसे ही मैं पावर ऑन ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे उसका इंडिकेशन LED ऑन हो रहा है। सेकंड पार्ट आपके CRO के स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले स्क्रीन है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बीम आ रही है और ये बीम जो है ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ये दो एक्सेस आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद मैं आती हूँ स्क्रीन ये फ्रंट पैनल के CRO के फ्रंट पैनल के पास। CRO के फ्रंट पैनल में आप देख रहे हैं ये टाइम पर डिवीजन का नॉब, इससे हम फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरे इसमें आप देख रहे हैं कि चैनल वन चैनल टू के लिए दो उन्होंने टर्मिनल निकाले हुए हैं। ठीक उसके ऊपर ये चैनल वन का वोल्टेज एम्पलीट्यूड मेजर करने के लिए ये रोटरी स्विच दिया है। चैनल टू के वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ये अलग रोटरी स्विच गया है। जब हम कौन से चैनल पे हमें आउटपुट देखना है इसके लिए हमें चैनल वन और चैनल टू ऐसे दो पुश बटन स्विच है। तो मैं चैनल वन प्रेस कर रही हूँ तो चैनल वन की वेवफॉर्म आप देख रहे हैं, चैनल वन के आप वेवफॉर्म देखेंगे। इसको CRO प्रोब्स बोलते हैं। ये CRO प्रोब मैं चैनल वन पे कनेक्ट करने जा रही हूँ। ये मैंने चैनल वन पे कनेक्ट किया है। चैनल वन पे कनेक्ट करने के बाद आपके फ्रंट पैनल पे आप एक टेस्टिंग पॉइंट निकाला हुआ है, उस पर कैलिब्रेशन टेस्टिंग पॉइंट, उस पर 0.5 वोल्ट लिखा हुआ है। उस पर मैं ये पॉजिटिव टर्मिनल CRO का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं CRO का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने जा रही हूँ वहाँ पे मुझे आप देखेंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर स्क्वेयर वेव सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब मेरा CRO प्रोब भी वर्किंग है और CRO प्रोब एकदम परफेक्टली वर्किंग है और CRO भी मेरा वर्किंग है। इसके बाद मैं आती हूँ चैनल वन के रोटरी स्विच के पास। ये रोटरी स्विच जो है यहाँ पे एक इंडिकेटर पॉइंट दिया हुआ है, इंडिकेशन मैंने 0.5 वोल्ट पे रखा है और ये पूरा 0.5 वोल्ट और ये पूरा एम्पलीट्यूड ले रहा है वन ब्लॉक ले रहा है। मतलब 1 × 0.5 वोल्ट तो हो गया 0.5 वोल्ट। ये इंडिकेशन कैसे करते एक बार फिर से आप देखिए, इंडिकेशन नॉब मेरा 0.5 पे है और ये पूरा ब्लॉक ले रहा है 1, तो 1 × 0.5 वोल्ट तो वो हो गया 0.5 वोल्ट। और मैं आती हूँ अभी फ्रीक्वेंसी की तरफ। आप फ्रीक्वेंसी के लिए नॉब रखेंगे 1 mS। यहाँ पे देखिए सब इंडिकेटर पे ये सब नंबर्स दिए हुए हैं। ये 0.1 माइक्रोसेकंड से ये सेकंड्स तक आ रहे 0.1, 0.2 सेकंड्स। मैंने ये 1 मिलीसेकंड पे रखा है, 1 मिलीसेकंड्स पे रख रही हो तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए जैसे राइज टाइम यहां से मेरा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है तो पूरा ये करने के लिए मुझे 1 ब्लॉक लग रहा है। अभी मैं थोड़ा और इसको चेंज करती हूँ, मतलब थोड़ी साइज इंक्रीज कर रही हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से ये दिखाई देगा। ये देखिए यहां से स्टार्ट होके ये पूरा साइकिल यहां से स्टार्ट होके यहां एंड हो रहा है तो ये हो गया पॉइंट, यहाँ पे है 0.5 मिलीसेकंड × ये पूरा ब्लॉक ले रहा है टू ब्लॉक्स ले रहे 2 × 0.5 मिलीसेकंड तो ये हो गया 1 मिलीसेकंड। फ्रीक्वेंसी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजर करते हैं F=1/T तो ये पूरा टोटल हुआ 1 मिलीसेकंड। फिर से एक बार आप देख लिए ये इंडिकेशन है 0.5 मिलीसेकंड और ये कितने ब्लॉक्स ले रहे 2 ब्लॉक्स तो ये हो गया 1 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड F=1/T
तो 1/1 milliseconds मीन 1 kilohertz हो रहा है. तो आप जब भी CRO कोई भी CRO यूज करते हो तो सबसे पहले CRO प्रोब टेस्ट कर लीजिए. CRO प्रोब टेस्ट करने के लिए आप 0.5 पे रखिए, टाइम पर डिवीजन का नॉप 0.5 पे रखिए, वोल्टेज पर डिवीजन का नॉप आप 0.5 पे रखिए और आपको ऐसी स्क्वायर वेव दिखाई दे रही तो आपका CRO प्रोब ओके है और आपका CRO भी वर्किंग कंडीशन है. तो मैं आप ये इसका वर्टिकल मूवमेंट के लिए उन्होंने अलग स्विच दिया है, रोटरी स्विच, और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए ये स्विच. इसके जरिए आप ये फोकस नॉब है, फोकस नॉब से आप फोकस कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंटेंसिटी. मेनली मैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन जनरेटर टू CRO कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो हमारे आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब. ऐसे और बेहतरीन वीडियो के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए ऐसे और बेहतरीन टेक्निकल जानकारी. थैंक यू.